तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब, और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि दोस्तों यहां पर आपको मिलने वाला है पीवी की ओर से। जी हां दोस्तों, यहां पर पीवी अभी फिलहाल में विवादों में बहुत जोर से चल रही है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। यहां पर आपके जो आपके एग्जाम 26 मार्च तक आपके एग्जाम हुए हैं वर्ग 3 के या फिर MPTET प्राइमरी स्कूल टीचर के, तो दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्शन या फिर आंसर की इसकी आ चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप यहां पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपको इसमें ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है, किस तरीके से आपको ये आंसर शीट देखना है। तो सिंपली तरीके से दोस्तों, यहां पर हम आपको गूगल से बताएंगे, चाहे आप मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, किसी पर भी हो, तो आपको यहां पर सिंपल तरीके से आपको पीवी या फिर व्यापमाप को सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहां पर सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और न्यू इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिया गया है प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020, डेट है 29/3/2022। मतलब आज की डेट में ही, अभी कुछ घंटे पहले ही ये रिस्पॉन्स शीट या फिर आपकी ऑब्जेक्शन शीट आई है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और न्यू इंटरफेस आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020। यहाँ पर आपको दिया गया द टाइप TAC टेस्ट एडमिट कार्ड, कोड प्रिंट इन योर एडमिट कार्ड एंड प्रेस द लॉग इन बटन। आप अपने एडमिट कार्ड पर मुद्रित टेस्ट एडमिट कार्ड कोड को परीक्षा प्रवेश पत्र के अंकित का टाइप करें और लॉग इन बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों यहां पर आपको रोल नंबर डालना है, यहां पर आपको एक कोड दिया गया होगा आपके एडमिट कार्ड में। यदि नहीं है आपके पास एडमिट कार्ड में ये कोड, तो आप दोबारा से एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको एडमिट कार्ड वाली साइट पर जाना है। जरा से नीचे आएंगे, प्राइमरी स्कूल टीचर एडमिट कार्ड पर आप जाएंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा कोड डाल के आप अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टेस्ट एडमिट कार्ड का जो कोड है वो डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जरा सी जो आपको मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो जरूर आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। प्रश्न पत्र के संबंध में, प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन के लिए दोस्तों ध्यान रखें, आपत्ति आवेदन प्रस्तुत प्रति प्रश्न ₹50 का भुगतान दे होगा। आपको एक क्वेश्चन का ₹50 यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि, प्रश्नों उत्तर के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्ति इस वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से ही प्रस्तुत की जा सकती है। लिंक अपडेट होने के पश्चात 3 दिवस तक, मतलब कि दोस्तों यहां पर आज की डेट से मिला के 3 दिवस तक ही आपत्तियां ली जा सकेंगी। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। पीवी द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थी से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पर विचार उपरांत मूल्यांकन हेतु अंतिम की उत्तर, जो अंतिम उत्तर पुस्तिका है या फिर आंसर की है, तैयार की जाएगी। अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय आपको मान्य होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे, यदि आपके मन में कोई जानकारी आप चाहती हैं तो mppeveonline@gmail.com पर आप यहां पर संपर्क भी कर सकती हैं मेल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लॉग इन होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी आंसर की खुल जाएगी, जिसमें दोस्तों यहां पर आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप यहां पर देख सकती हैं। करेक्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है वो आप यहां पर देख सकती हैं। जो सही आंसर दिया गया है, रॉन्ग आंसर ऑप्शन सिलेक्टेड नॉट आंसर। तो दोस्तों ये आपका जो इस तरीके का रंग कलर आ रहा है, ये आपका मतलब है आपने इसका आंसर गलत दिया है, या फिर आपने जो आंसर दिया है वो आपका यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर गलत है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो इसका मतलब है दोस्तों यहां पर आपका क्वेश्चन जो करेक्ट है, वो आंसर जो दिया है वो सिलेक्ट सही है, और करेक्ट आंसर यहां पर ये रहेगा। चलिए दोस्तों यहां पर हम नेक्स्ट में देखें, जैसे कि ये है तो ये आपका आंसर करेक्ट है, सही है, तो कुछ इस तरीके से आप अपना मिला सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये भी आपका सही है। इसके बाद दोस्तों यहां पर ये दिया गया, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया है ये गलत है, लेकिन सही आंसर आपका ये है, तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर आप मिला सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो आपका ये सही है, ये सही है, ये भी सही है आपका, ये कलर जो गलत है उसको आप देख सकते हैं, यहां पर ये भी गलत है। कुछ इस तरीके से आप अपनी आंसर शीट मिला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे आपके जो
उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे ऊपर ही आपको इस वाली पट्टी पे दिखाई दे जाएगा व्यू रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया देखें, तो आपने आंसर शीट देख लिए। यहाँ पर दोस्तों आएगा कंप्लेंट, सवाल के बारे में शिकायत करें, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको आप शिकायत कर सकती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप उनको चेकआउट कर लीजिए। व्यू कंप्लेंट क्वेश्चन जो शिकायती प्रश्न देखें और यहाँ से आपको भुगतान करने वाले सेक्शन पर आपको जाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम सवाल वाले पे जाएंगे, तो आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका प्रश्न क्रमांक है वो आपको यहाँ पर देना है, जो भी आपका प्रश्न क्रमांक है, जो भी आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर आप इस तरीके से प्रश्न क्रमांक पे आंसर देंगे। और जो भी आपका प्रश्न लगता है 100 तक क्वेश्चन, 150 तक आपके क्वेश्चन है, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेट क्वेश्चन सवाल प्राप्त करे वाले पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो भी आपने क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टंका की संरचनाओं को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पीने के उद्देश्य के लिए छतों के एकत्रित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक, सिंचाई के उद्देश्य कृषि से निर्मित बांधों का निर्माण या रूफटॉप टैंक का निर्माण। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें नहीं है, एनवायरमेंटल स्टडी का ही क्वेश्चन है जिसमें ये सही करेक्शन आंसर यहाँ पर ए दिया गया है, और आपको लगता है कि ये वाला सही नहीं है, इनमें से कोई अदर देन सही है, तो आपको करना क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका प्रकार चुनना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है प्रश्न की संरचना गलत है या फिर उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही है, मतलब कि आपके दो आंसर सही है यहाँ पर, या कोई भी विकल्प सही नहीं है, प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता है जिस कारण दोनों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, और एक भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो जिसमें सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा हो, कोई अन्य कारण जिसमें अधिक प्राप्त और एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है शिकायत जो भी है, आप हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी आप चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सहायक दस्तावेज अपलोड करना है PDF या JPG फॉर्मेट। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका किसी बुक का हो, राइटर का हो, तो यहां पर जब भी आप लिखेंगे तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करने के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको ये भी लिखना है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है तो क्यों गलत है और आपने कहां पे देखा है, तो उस बुक का नाम लिखना है, राइटर का लिखना है, पेज नंबर लिखना है, और आपको प्रकाशन का वो भी डेट या फिर आपको दिनांक बताना है, यहां पर आपको उसका फोटो लगाना है PDF फॉर्मेट में, तभी आपका सही तरीके से होगा। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल की डेट में थोड़ा सा साइट बिजी है, बाकी यहाँ पर सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन को, शिकायत प्रश्न को, और यहाँ से आप सिंपली तरीके से इसका पेमेंट करेंगे ₹50 का, और कम्प्लीटली आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए जितने भी आप चाहें इन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer, यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।